बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं अपने दोस्तों को एक तरीका बताने वाला हूँ, अपना मेरा तरीका जो है मछली पकड़ने का। अगर कोई छोटी एक किलो दो किलो की लग जाए, उसको आप इस तरह राड से पकड़ के ना एक 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 तरीका में, अगर एक दो किलो की मछली लग जाती है ना, तो आप इस तरह पकड़ के ना इस तरह गिरारी को घुमाते हैं ना, तो उसका कोई इशू नहीं है, वो आ जाती है। लेकिन अगर कोई बड़ी मछली लग जाती है ना, 10 किलो की, 8 किलो की, 5 किलो की, तो उसको जब आप निकालते हैं ना, तो आपने इस राड को ना आप इस तरह टांगों के अंदर रख लें, यहाँ यहाँ ऐसे जैसे मैंने रखा है, और इस हाथ से इसको ऐसे पकड़ें। जब आप इसको खींचेंगे ना, तो वो बैलेंस हो जाएगा राड का भी और उसका भी, मछली का भी, तो वो आपको पता चल जाएगा मछली कितना ज़ोर लगा रही है, तो कितना मुझे ज़ोर लगाना है। तो इस तरह फिर इस गिरारी के ऊपर वज़न नहीं पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट इस तरह करेंगे ना, तो वो गिरारी के ऊपर भी वज़न पड़ता है, तो राड के ऊपर पड़ता है, मछली के भी ज़ोर का भी पता नहीं चलता है। तो इसलिए जब भी आप करें तो इस तरह करें, आप इस राड को पकड़ के यहाँ टांगों में रखें और एक हाथ यहाँ रखें, बिल्कुल गिरारी के दो उंगलियाँ ऐसे करें, गिरारी के ऐसे ऊपर आएँ, ताकि तो ये आज जो है ना गिरारी जब आपने खींचनी है, तो बिल्कुल ऐसे खींचेंगे जब, तो आपको पता चल जाएगा मछली कितना ज़ोर लगा रही है और मुझे कितना लगाना है। तो उस तरह फिर गिरारी के ऊपर लोड नहीं पड़ता है, गिरारी गर्म भी नहीं होती है और गिरारी टूटती भी नहीं है। चलें फिर।